नमस्कार साथियों, भारत में आपने या पूरी दुनिया में आपने बहुत से ऐसे कुएं देखे होंगे जिसे कूप बोला करते हैं, जिसका पानी का आपने स्वाद तो चखा होगा जो कि वाकई में मीठा रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कूप के पास लेकर जा रहा हूं, एक ऐसे कुएं के पास लेकर जा रहा हूं, जिसकी पानी अगर आप चखेंगे तो आपको समुद्र का जो पानी होता है उस प्रकार से आपको लगेगा उसका स्वाद। तो चलिए उस कुएं के पास लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं जहां पे पांच समुद्र का पानी रसरस के उस कुएं के अंदर आती है। और ये देख सकते हैं, यह स्थान जो कि काफ़ी हमें ऊंची खड़ी सीढ़ियों के सहायता से ऊपर जाना पड़ेगा जहां पे वो स्थित है। और नीचे भी आपको कैमरामैन के सहायता से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं कैसी सीढ़ियों के सहायता से मैं उस स्थान को खोज निकाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कुछ लोग जानते होंगे, जो कि एक प्राचीन स्थल है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उस कुएं का क्या रहस्य है। खड़ी सीढ़ियों की ऊंची चढ़ाई से होते हुए मैं ऊपर आ गया हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पांच साइटें देखने को मिलेगी, यानी कि छह साइट जहाँ पे आपको प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर, महाराज पुरवा एवं अप्सरा उर्वशी एवं श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन और दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन, समुद्र कूप जो कि पांचवें नंबर पे है और छठे नंबर पे विष्णु जी के पद का दर्शन करने को मिलेगा। तो चलिए समुद्र कूप के पास लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र कूप मार्ग का यहाँ पे एरो बना गया है, तीर दर्शाया गया है। और यहीं पे पास में ही आपको एक बैनर लगा दिखाई देगा प्राचीन स्थल झूसी के नाम से, जहाँ पे समुद्र कूप के बारे में और झूसी जो यह स्थान है इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, जिसे आप कैमरा की सहायता से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कैमरामैन से बोलूँगा स्पष्ट दिखाने के लिए। और यही वो रास्ता है, यहाँ पे देख सकते हैं यही वो रास्ता है जो कि समुद्र कूप के पास लेकर जाती है। तो चलिए वहाँ पे लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। साथियों, आ चुके उस समुद्र कूप के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जो कि संरक्षित स्मारक के रूप में इसको स्थापित किया गया है और इसको संयोग कर रखा गया है। और चलिए इस समुद्र कूप जो तीर्थ है इसके बारे में जानकारी देता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था जो कि अभी समय के अनुसार जो कि मिट गया है। तो चलिए ऊपर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जूता चप्पल बाहर उतारे, तो मैं इतना तपती धूप में अपना चप्पल को नीचे उतार दे रहा हूँ जूता को और चल रहा हूँ समुद्र कूप के परिसर में और आपको दिखाता हूँ कि कैसा वो समुद्र कूप है जहाँ पे पांच समुद्रों का पानी आता है। और इस जल को अगर आप ग्रहण करते हैं तो जैसा कि समुद्र का जल खारा होता है वैसे ही आपको यह पानी खारा मिलेगा। साथियों, ये मेन रास्ता था अंदर जाने के लिए और समुद्र को दिखाने के लिए कि मैं बाहर साइड से दिखाऊंगा। यहाँ पर ताला लॉक है जिसकी वजह से खेद है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं जब यहाँ पे माघ मेला में बहुत ही भयंकर भीड़ रहती है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट लोग इस समुद्र कूप को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यह पूरा जो कूप है, कूप यानी कि जो कुआँ है, यह सब पत्थरों से निर्मित किया गया है। अभी तो फिलहाल इस पर बालू और सीमेंट से इस पर लेप लगाया गया है जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं। और ये देख सकते हैं पहाड़ी का परिसर है जो कि किस प्रकार से यहाँ पे दिखता है। और ये तपती जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है उस पर हम चल रहे हैं, पैर जल रहा है लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं करीब 12-1 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही है समुद्र कूप जैसा कि देख रहे हैं, ये और ये दो आपको शीर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। तो और साथियों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही वो समुद्र कूप है जिसमें पाँच समुद्र का पानी रस रस के इस कुएं में जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, जो कि अगर यहाँ पे पानी निकालने वाली कोई सुविधाएं होती तो मैं इस कुएं से निकाल कर मैं आपको बता सकता था और चख कर आपको समझा सकता था कि वाकई में इस कुएं का पानी खारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए इस कुएं का कि किस प्रकार के यहाँ का सीन है। मैं आपको बता दूँ यहीं के पास में आपको गंगा और यमुना नदी देखने को मिल जाएगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब बगल में ही गंगा जी और यमुना जी नदी बहती है तो इस कुएं का पानी खारा कैसे हो सकता है। तो यह एक अजूबा पहेली है
जो कि आज मैं आपको सुलझाने वाला हूँ। तो साथियों, यहीं पे पास में ही आपको एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगी और यहीं पे आपको भगवान विष्णु का, चरण पादुका का दर्शन करने को मिल जाएगा। कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए। साथियों, मैं उतना आपको नहीं दिखा पाया जो समुद्र कूप था, क्योंकि अभी तपती धूप है जिसकी वजह से मेरा पैर जल रहा है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है कि मना किया गया है कि चप्पल जूता उतार कर ही आपको इस परिसर में चलना है, जिसके लिए उनका सम्मान करते हुए मैं आपको यहीं से वीडियो बनाना के और आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो चलिए अब इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह जो समुद्र कूप है इसका निर्माण जो समुद्र गुप्त थे उनसे जुड़ा हुआ है। और यह जो जगह है प्रयागराज के समीप में ही झूसी एक स्थान है, वहाँ पे पड़ा है झूसी यानी कि जलता हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्थान जो गोरखनाथ थे और उनके गुरु थे, उन्हीं के शराब के वजह से यहाँ जो एक उल्टा किला है वह सीधा किला हुआ करता था, जिसकी वजह से उनके शराब के कारण वो उल्टा उलट पलट गया वो किला। और यहाँ पे बहुत ही चीज़ें मतलब कि जलने लग गई और जलने की वजह से इस स्थान के नाम पर गया झूसी। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में करिए और बताइए हमें दीजिए कि समुद्र को काकर पानी क्यों समुद्र जैसा खारा पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।